कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज खबरों में खास तौर से धान के बारे में बात करेंगे और धान को लेकर खबरें आ रही हैं कि सरकारी खरीद बाजारों में बढ़ रही है और जानेंगे इसका किस तरह का असर धान की कीमतों में बाजारों में देखा जा रहा है, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो धान को लेकर खबरें आ रही हैं कि चालू सत्र 2022 से 2023 में अब तक केंद्रीय पूल के लिए सरकार की धान की खरीद 9.58% से बढ़कर 541.90 लाख टन हो गई है और खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। केंद्रीय सरकार पूल में योगदान करने वाले प्रमुख राज्यों में पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना शामिल है। अमूमन धान खरीद अक्टूबर से शुरू होती है, हालांकि दक्षिण राज्यों में विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु में ये सितंबर से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश में खरीद एक साल पहले की। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। एक साल पहले की समान अवधि से 42,73,000 टन से मामूली सी बढ़त के साथ देखी गई और 42.96 लाख टन हुई है, जो कि पिछले साल से थोड़ी बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश में इसी तरह इस साल अब तक खरीद तेजी से बढ़कर 34,50,000 टन की हो गई है, जो कि पिछले एक साल के समान अवधि में 22,42,000 टन देखी गई थी। कृषि मंत्रालय के इसके पहले अनुमान के अनुसार खरीफ सत्र 2022 से 2023 में देश का धान उत्पादन 6% घटा है और ये घटकर 10,49,90,000 प्रति टन रह जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबर आपके लिए उसको तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।